आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारी YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में गाज माता की व्रत कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गाज माता की कृपा से संतान सुख मिलता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, गाज माता का व्रत भाद्र माह के किसी भी शुभ दिन को देखकर किया जाता है। इसमें गाज माता की पूजा की जाती है और जिस मनोकामना को लेकर व्रत किया जाता है उसके पूर्ण होने पर भादो माह के ही किसी शुभ दिन पर इसका उजमन किया जाता है। जैसे किसी ने संतान की कामना को लेकर यह व्रत किया है, या फिर पुत्र के विवाह के लिए किया है, या फिर किसी अन्य मनोकामना के लिए। मनोकामना पूर्ण होने पर गाज माता का व्रत कर उजमन करें। सात जगह चार चार पूरी हलवा रखकर एक लोटे में जल लें। जल में थोड़ी सी शक्कर डालें। हाथ में सात दाने गेहूं के लेकर गाज माता की कहानी सुनें। कहानी सुनने के बाद लोटे के जल से सूरज भगवान को अर्घ दे दें। फिर एक साड़ी ब्लाउज, हलवा पूरी और उस पर पैसे रखकर बायना निकालकर सासू माँ को दे दें। सात जगह निकाली हलवा पूरी सात ब्राह्मणियों को खिला दें और साथ ही स्वयं भी उनके साथ भोजन करें। बाद में उन्हें टीका लगाकर दक्षिणा देते हुए विदा करें। आइए अब सुनते हैं गाज माता की कहानी। एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थे। रानी ने सुन रखा था कि गाज माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। रानी ने अपने मन में संकल्प किया कि हे गाज माता, यदि मुझे गर्भ रह जाए तो मैं तुम्हारा उजमन करूंगी, हलवे पूरी की रसोई बनाऊंगी, आपका श्रृंगार करूंगी। गाज माता की कृपा से रानी गर्भवती हो गई, लेकिन उसने गाज माता का उजमन नहीं किया। उसने कहा, हे गाज माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तब मैं आपका दो बार श्रृंगार करूंगी, उजमन करूंगी। समय बीता, गाज माता की कृपा से रानी के पुत्र हो गया, लेकिन वह गाज माता का उजमन करना भूल गई, पुत्र प्रेम में व्यस्त हो गई। गाज माता ने सोचा, ये तो मुझे भूल गई, इसलिए इसे सबक सिखाना होगा। तब गाज माता घोरती गरजती आई और महल के आंगन में पालने में सो रहे उसके पुत्र को पालने सहित उड़ा कर ले गई। दूर जंगल में ले जाकर उसके पुत्र को एक भील भीलने के घर छोड़ दिया। भील भीलनी के भी कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने अपने घर के आंगन में एक बालक को देखा तो वे प्रसन्न हो गए। दूसरी तरफ महल में बालक को न देखकर शोर मच गया। बालक कहाँ गया, कौन ले गया, चारों तरफ खोज होने लगी। तभी राजा के सैनिकों को एक धोबी मिला, जिसने भील भीलनी के घर पालने में एक सुंदर बालक देखा था। धोबी ने उन्हें बताया कि उसने भील भीलनी के घर एक बालक को देखा है जो किसी भी तरह से उनका बालक नहीं लगता। तब सैनिक धोबी को राजा रानी के पास लेकर आए। धोबी के कहने पर भील भीलनी को बुलाया गया। उन्होंने राजा के सामने सत्य बोलते हुए कहा, हाँ ये हमारा बालक नहीं है, लेकिन अपने आंगन में बालक को देखकर हमने सोचा शायद गाज माता ने ही हमें ये पुत्र दिया है।
हमारे भी कोई संतान नहीं है और हम गाज माता का व्रत पूजन करते हैं। भील भेलने के मुख से गाज माता की बात सुनकर रानी को अपना किया हुआ संकल्प याद आ गया। उसने गाज माता से माफी मांगी और कहा, हे माता, हमारा पुत्र हमें वापस दे दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। मैं धूमधाम से आपका पूजन और उजमन करूंगी। तब गाज माता ने पालने सहित उसके पुत्र को महल में ला दिया। यह देखकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गाज माता का हलवे पूरी से उजमन किया, श्रृंगार का सामान चढ़ाया और उधर गाज माता की कृपा से भील भीलनी को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। हे गाज माता, जैसी कृपा आपने राजा और रानी भील और भीलनी पर की, वैसी सब पर करना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बनाना। जिनके संतान ना हो उन्हें संतान सुख देना, जिनका विवाह ना होता हो उनका विवाह करना, वंश में वृद्धि करना, सुख समृद्धि देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।